प्रखंड के हाड़गांव पंचायत वार्ड नंबर 6 में है। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अलीमुद्दीन अंसारी जी। वो बजट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि बजट से क्या आम लोगों को क्या फायदा हुआ, क्या सही हुआ, ये खुद बोलेंगे। क्या आम ये जो बजट जो पेश हुई है जो कल, क्या इसके बारे में आपको क्या कहना है? आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये जो बजट है ये किसान मजदूरों के साथ धोखा है। ये बजट से किसान का कोई भलाई नहीं होने वाला है। किसान का कर्जा माफ होना चाहिए था, किसान को फसल का लाभकारी मूल्य होना मिलना चाहिए था, जो सरकार ने मोदी जी ने वादा किया था वो उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, मजदूरों को काम मिलना चाहिए। मनरेगा में जो है न्यूनतम मजदूरी से कम मार 177 रुपया दिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। और 100 रुपया महीना उल्टे हर मजदूर से मांगा जा रहा है सामाजिक सुरक्षा के लिए, पेंशन के लिए, तो 100 रुपया महीना ये प्रैक्टिकल भट्टा संचालित है जिसमें मनमाना तरीके से रेट लिया जा रहा है। लोगों का कहना है और सोशल मीडिया में जमकर इस पर ये हो रही है, आलोचना हो रही है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ईंट भट्टा जो है उपजाऊ जमीन में, खनहर जमीन में ईंट भट्टा लगाया गया है जो गलत है। और जो सरकार के नीति के विरुद्ध है और ईंट भट्टा में जो ईंटे का मूल्य निर्धारित होना चाहिए उसके लिए जिले में कमेटी हो और जिले में तय हो, लेकिन ईंट भट्टा के मजदूरों का मजदूरी भी नहीं बढ़ा और ईंटे का दाम बढ़ा दिया गया है। ईंट मजदूरी का तो दाम बढ़ाया नहीं गया, रेट तो निर्धारित है 5728 रुपया, लेकिन ईटा मनमानी की तरफ से 95 से लेकर 10000 रुपया तक ले रहा है ईंट भट्टा, इसके बारे में क्या कहना है? ये मनमानी ये कई क्षेत्र में यहाँ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और उसके लिए सरकार को और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ये जो है किसान का इसमें भी शोषण हो रहा है। जो किसान का खेत ले करके और किसान को ठीक से पैसा नहीं मिल रहा है और ईंटे का दाम बढ़ा दिया गया है। यहाँ के लोगों को जो है जो रॉयल्टी का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि ईंटे का मूल्य जो है निर्धारित हो और निर्धारित के मुताबिक जो है यहाँ के लोगों को जो उसका ईंटा का मिलना चाहिए। ईंटा हमारे यहाँ से बाहर दूसरे जगह जा रहा है, दूसरे राज्य में और दूसरे देश बंगाल जा रहा है ना, तो उसका जो है लाभ यहाँ के किसान को मिलना चाहिए। यहाँ का जो जमीन लिया जा रहा है, मिट्टी लिया जा रहा है, वो किसान को नहीं मिल रहा है, मजदूरों को नहीं मिल रहा है उसका लाभ, और ये मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और व्यवसायियों को मिल रहा है, ठेकेदारों को मिल रहा है। उसका प्रदूषण तो पूरे इलाके में बहुत बड़ा प्रदूषण जो फैल रहा है, लोग कई तरीके के बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं और लोग कई तरीके से बीमारी भी हो रहे हैं और यहाँ तो पर्यावरण में भी बहुत खास असर पड़ा है। उपजाऊ जमीन में बंजर हो चुका है, आम का मंजर नहीं आ रहा है, बहुत परिंदे मर रहे हैं। ये जो है ईंट भट्टा कई क्षेत्र में एक ही जगह का भी ईंट भट्टा है, प्रदूषण इस तरह से बढ़ गया है और बढ़ते जा रहा है कि लोग बीमार, खास करके गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। और उसके बाद फल वगैरह भी आम और लीची इस एरिया में नहीं हो रहा है, फलदार वृक्ष जो है वो कमज़ोर हो गया है। इस तरह से ये कहना चाहते हैं कि काफ़ी नुकसान में यहाँ के लोग रह रहे हैं और उसके लिए कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई देखभाल नहीं मिल रहा है। इस तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा, इस तरह का यहाँ कहावत है, और जो जितना लूट सके वो लूट यहाँ पर जारी है, ये बंद होना चाहिए। उसके लिए हम तमाम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी सबको बताया जा रहा है कि इस तरह से
इस तरह के अत्याचार और अन्याय और जुल्म के खिलाफ में सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के तरफ से क्या किया जाएगा, इस तरह से जो हो रहा है किशनगंज जिला में, इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगा? आम आदमी पार्टी ने काफी विरोध किया है इसके बारे में। हमने मांग दिया है सरकार को कि ये जो है ईट भट्टा का रेट ठीक ढंग से तय हो और उपजाऊ जमीन को खराब नहीं किया जाए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई हो, खनन विभाग के तरफ से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये सब बारे में हमने किया है, लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव में भी हम ये मुद्दा उठाने वाले हैं कि ये जो सरकार कर रही है और अंधेर नगरी बना हुआ है, ये सरकार जो समझ जाए, नहीं तो किसान मजदूर एक होकर के ये सरकार को हटाने के लिए सब लोग कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। किसान देश का चिड़िया बता रहा है, जो किसान के हर वर्ष आत्महत्या हो रही है, लेकिन किसानों के बारे में सरकार का बजट कैसा है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? किसान हर तरह से फला जा गया है और घाटे में खेती करती रही है और किसान को बहुत सारे उम्मीद थी कि ये सरकार करेगी, लेकिन जुमलेबाज सरकार जो है फिर इस बजट में किसान के लिए कुछ नहीं किया और बड़े पूंजीपति और बड़े सरमाएदारों का वो रियायत देने का काम किया है, तो दोनों काम नहीं हो सकता है। या तो किसान मजदूर बेरोजगार लोगों के लिए काम करे, नौजवानों को रोजगार देने का काम करे, या बड़े लोगों के लिए काम करे। ये सरकार बड़े लोगों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों का पैसा बढ़ते जा रहा है, पूंजीपतियों को सुविधा देते रही है और गरीब मजदूर किसान के लिए कुछ नहीं। किसान को जो है बाढ़ में इतना बड़ा क्षति हुआ, कोई मुआवजा नहीं मिला और आगे भी जो प्राकृतिक आपदा होगा उसमें किसान को किस तरह से लाभ मिलेगा, सरकार उसके लिए कोई योजना नहीं है। आप पार्टी की तरफ से मतलब किसानों को मतलब जो बाढ़ क्षति में हुआ, तो आप पार्टी की तरफ से क्या कदम रहा? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली में प्रति हेक्टर किसानों को मुआवजा जो है फसल का क्षतिपूर्ति 50,000 करके दिया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है और किसानों को वहाँ बहुत तरह से लाभ मिल रहा है। जबकि दिल्ली शहरी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जो किसान है वो किसान को पूरा ध्यान दे करके उसको मुआवजा दिया गया है। मालक किशनगंज लोकसभा से, क्या किशनगंज लोकसभा से कोई आप आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आएंगे? आम आदमी पार्टी का जो केंद्रीय कमेटी है, पीएससी है, वो उस पर भी उसकी मीटिंग नहीं हुई है, उसकी मीटिंग होगी तो उसमें तय होगा देश में चुनाव लड़ने के बारे में और प्रत्याशी के बारे में, वो पीएससी मीटिंग में तय होगी तो आपको बताया जाएगा। मैं लगता है कि मैंने इसे किशनगंज से लोकसभा के लिए उम्मीदवार उठेगी आम आदमी पार्टी? हाँ, ये बिहार राज्य कमेटी ने पास कर दिया है कि हम किशनगंज लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और हर हालत में लड़ेंगे, लेकिन उसको केंद्रीय कमेटी जो है उसकी मीटिंग में तय होना बाकी है, वो मीटिंग अभी नहीं हुई। ये थे हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अलीमुद्दीन अंसारी साहब जो बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। किसान देश का चिड़िया बता रहा है, जो किसान के हर वर्ष आत्महत्या हो रही है, लेकिन किसानों के बारे में सरकार का बजट कैसा है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? किसान हर तरह से फला जा गया है और घाटे में खेती करती रही है और किसान को बहुत सारे उम्मीद थी कि ये सरकार करेगी, लेकिन जुमलेबाज सरकार जो है फिर इस बजट में किसान के लिए कुछ नहीं किया और बड़े पूंजीपति और बड़े सरमाएदारों का वो रियायत देने का काम किया है, तो दोनों काम नहीं हो सकता है। या तो किसान मजदूर बेरोजगार लोगों के लिए काम करे, नौजवानों को रोजगार देने का काम करे, या बड़े लोगों के लिए काम करे। ये सरकार बड़े लोगों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों का पैसा बढ़ते जा रहा है,
पूंजीपतियों को सुविधा देते रहिए और गरीब मजदूर किसान के लिए कुछ नहीं। किसान को जो है बाढ़ में इतना बड़ा क्षति हुआ, कोई मुआवजा नहीं मिला और आगे भी जो प्राकृतिक आपदा होगा उसमें किसान को किस तरह से लाभ मिलेगा, सरकार उसके लिए कोई योजना नहीं है। आप पार्टी की तरफ से मतलब किसानों को मतलब जो बाढ़ क्षति में हुआ तो आप पार्टी की तरफ से क्या कदम रहा? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली में प्रति हेक्टर किसानों को मुआवजा जो है फसल का क्षतिपूर्ति 50,000 करके दिया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है और किसानों को वहाँ बहुत तरह से लाभ मिल रहा है। जबकि दिल्ली शहरी क्षेत्र है लेकिन फिर भी जो किसान है वो किसान को पूरा ध्यान दे करके उसको मुआवजा दिया गया है। मालिक किशनगंज लोकसभा से क्या किशनगंज लोकसभा से कोई आप आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आएंगे? आम आदमी पार्टी का जो केंद्रीय कमेटी है पीएससी है वो उस पर भी विचार, उसकी मीटिंग नहीं हुई है, उसकी मीटिंग होगी तो उसमें तय होगा देश में चुनाव लड़ने के बारे में और प्रत्याशी के बारे में, वो पीएससी मीटिंग में तय होगी तो आपको बताया जाएगा। मैं लगता है कि मैंने इसे किशनगंज से लोकसभा के लिए उम्मीदवार उठेगी आम आदमी पार्टी? हाँ, ये बिहार राज्य कमेटी ने पास कर दिया है कि हम किशनगंज लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और हर हालत में लड़ेंगे, लेकिन उसको केंद्रीय कमेटी जो है तो उसकी मीटिंग में तय होना बाकी है, वो मीटिंग अभी नहीं हुई। ये थे हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अली मोदी अंसारी साहब।